फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, रोजाना आपको पानी में भिगोकर इन चीजों का सेवन करना है। ये पांच ऐसी चीजें हैं जिनका अगर रोजाना इस तरीके से भिगोकर सेवन किया जाता है तो ये हर एक इंसान के लिए अमृत साबित होंगी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही पांच चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि अगर आप रात को पानी में भिगोते हैं और सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो बहुत फायदा होगा। तो आप सिर से लेकर पैर तक की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे बचे रहेंगे, साथ ही साथ बुढ़ापे के अंदर आने वाली समस्याएं भी आपको नहीं आएंगी। आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी। आपकी उम्र बढ़ेगी, लेकिन दो तरह से उसका फायदा आपको मिलेगा। पहला होगा कि उम्र बढ़ने के कारण बॉडी के अंदर जो कमजोरी आ जाती है ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस होगा कि बुढ़ापा आते आते जो बीमारियां बॉडी में घर कर जाती हैं तो उनसे भी आप बचे रहेंगे। तो चलिए जानते हैं इस चीजों को कि सेवन कैसे किया जाता है और ये कौन सी हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने मोटापे को घटाना चाहते हैं या वजन को बढ़ाना चाहते हैं, आइडियल वेट पर आना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर यस लिख कर भेजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। पहली चीज है दोस्तों, खसखस। खसखस छोटे छोटे दानों के रूप में होती है। इसमें विटामिन, मिनरल और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। खसखस का लगातार सेवन करने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारा दिमाग रिलैक्स होता है, ये हमारे दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। खसखस डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, त्वचा के लिए काफी फायदेमंद है। इसके अंदर पेन रिलीफ प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर आपके शरीर में दर्द रहता है तो उससे आपको आराम दिलाएगी। इसके इस्तेमाल करने से रात को आधा चम्मच अगर खसखस को आप रात को भिगो देते हैं और सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले दूध के साथ इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों, खसखस की जो तासीर होती है वो ठंडी है अगर आपने इसे नॉर्मल दूध के अंदर मिक्स किया है, और अगर आपने इसे उबाल कर दूध के अंदर लिया है तो इसकी तासीर गर्म बन जाती है। तो सर्दियों में अगर आप ले रहे हैं तो इसे उबाल कर सेवन कीजिएगा, और गर्मियों में ले रहे हैं तो इसे भिगो कर उसके बाद नॉर्मल दूध के साथ सेवन कीजिएगा। दूसरी चीज है किशमिश। किशमिश में आयरन और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बॉडी में नया खून बनाते हैं, हमारे पेट को साफ करते हैं। दोस्तों, किशमिश के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो कि हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो दिल को स्वस्थ रखता है, जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। इसमें कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों को मजबूती देता है। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में पैदा होने लगती है। तो रोजाना करीब आपने 8 से 10 किशमिश लेनी है, रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट आपने इसे चबा चबा कर इस्तेमाल कर लेना है। आपने करीबन 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना, लेकिन इसे लेने के जस्ट बाद आपने 3 से 4 घूंट गुनगुना पानी जरूर पीना है। तीसरी चीज है दोस्तों, अलसी। अलसी के बीजों में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारा फाइबर होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम का एक हेल्दी फैट होता है। अलसी को खाने से आपकी बॉडी में कैंसर होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है, आपका वेट मेंटेन होगा। इसका अगला फायदा जो आपको मिलेगा वो आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को ये नॉर्मल करेगा। इसीलिए बढ़ती उम्र में अलसी के बीज आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। दोस्तों, जब भी आप अलसी के बीजों का सेवन करें तो आप हमेशा ही इसे ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करिएगा। ड्राई रोस्ट का मतलब यह हो जाता है कि आप पहले अलसी को तवे पर या कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर भून लें, फिर इस बीजों का पाउडर बना लें। इसे रात को पानी में भिगो कर सुबह दही में मिक्स करके अगर आप सेवन करते हैं तो ये अलसी की जो तासीर है वो नॉर्मल हो जाती है और आप इसे गर्मियों में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे और इसके सारे फायदे भी ले पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट चीज है बादाम। बादाम के अंदर प्रोटीन, मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा होता है, ये हमारे शरीर के अंगों को एनर्जी देता है। रोजाना 7 से 8 बादाम अगर आप भिगो कर खा लेते हैं तो ये आपके स्किन पर तो ग्लो लाएगा ही, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई होता है, साथ ही साथ ये हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी तेज कर देता है। नेक्स्ट और लास्ट चीज है दोस्तों, मेथी दाना। बहुत कमाल की है, मेथी दाना खाने के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें अच्छी मात्रा में आयरन होता है जो खून की कमी को दूर करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। पुरुषों के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को बढ़ा देता है। दोस्तों, बढ़ती उम्र के कारण पुरुषों के अंदर जो हार्मोन की कमी आ जाती है, यानी शरीर में कमजोरी रहने लगती है, उसे ये दूर कर देता है। मेथी दाने का सेवन करने से कमजोरी दूर होती है। रोजाना रात के समय 1 चम्मच मेथी दाने को अगर आप कांच के गिलास में भिगो कर रखते हैं
तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। सुबह आपने मेथी भी खा लेनी है और ऊपर से पानी भी धीरे धीरे पीते जाइए। धीरे धीरे चबा चबा कर इसका इस्तेमाल करना है, एकदम से गट गट नहीं लेना। दोस्तों वैसे तो इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन जब हम इसे भिगो कर लेते हैं और निश्चित मात्रा में सेवन करते हैं, लिमिट में सेवन करते हैं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद बन जाती है। सर्दियों के मौसम में आप मेथी दाने का पाउडर डायरेक्ट पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में आपने इसका इस्तेमाल पानी में भिगो कर ही करना है। दोस्तों ये डायबिटीज को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों आपने एक साथ इन पांचों चीजों को भिगो कर नहीं खाना। हाँ, आप मेथी दाने के अंदर आप किशमिश मिक्स करके यानी किशमिश को भिगो कर ले सकते हैं। खसखस जिस दिन ले रहे हैं वो अकेली लीजिएगा। आलमंड भी आप किसी के साथ सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आयुर्वेद की हम माने तो हजारों सालों से ये मान्यता है कि पानी में भिगो कर अगर इन चीजों का सेवन किया जाता है, इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन किया जाता है, तो इसके अंदर फाइबर कंटेंट काफी बढ़ जाता है, जो कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कर देता है, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि अगर रोजाना इनका सेवन कर लिया जाता है तो बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहेगी। अगर आप सारी चीजों को या दो चीजों को भी एक साथ नहीं लेना चाहते तो रोजाना एक चीज को पानी में भिगोकर जरूर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आए। दोस्तों ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।